कल जुमे की नमाज के बाद ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में सौहार्द बनाए रखने के मकसद से ज़िला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इस सिलसिले में पुलिस प्रशासन के निर्देश पर ज़िले भर के थानों में पीस मीटिंगें आयोजित कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। इसी दौरान आज देवीपाटन मंडल के DIG और कमिश्नर ने भी घंटाघर चौराहे पर एक सद्भावना मीटिंग आयोजित कर उसमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए और इसमें अपना पूर्ण सहयोग करने की भी अपील की। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के मामले में लोगों से विचार विमर्श भी किया। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी शंभु कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने क्षेत्र में पैदल मार्च कर लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित किया और इस सिलसिले में बनाए गए पंपलेट भी उन्हें बांटकर लोगों से सद्भाव बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान और सहयोग करने की अपील की। ये घटना हुई है, उसके बाद जो भी मुकदमे लिखे गए हैं वो घटनाओं से संबंधित लिखे गए हैं। एविडेंस बेस्ड उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है और आज पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारा मंशा कहीं भी किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई करने की नहीं है। जिन लोगों के बारे में प्रॉपर और कॉन्क्रीट एविडेंस आएगा कि उनके द्वारा अराजकता फैलाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, जिसमें उनकी वीडियो फुटेज आएगी, फोटो आएगी और उनकी सक्रिय भूमिका देखी जाएगी, केवल उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होगी। किसी भी अगर व्यक्ति को ये लगता है कि वो या उसका कोई भी परिजन या जानने वाला अगर निर्दोष है और फिर भी पुलिस द्वारा उनके परेशान किया जा रहा है, तत्काल हमसे या हमारे COCT साहब से संपर्क करें। ये निर्णय जो है वो COCT साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसी के द्वारा लिया जाएगा। किसी भी निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ।